गोलियों और गालियों तो आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म की 78 वेब सीरीज में जरूर ही देखी होगी, लेकिन इसके बिना भी कोई अच्छा कंटेंट बन जाए और लोगों को पसंद आने काबिल हो ऐसा कम ही होता है। वह रितेश देशमुख ने अपने पिल के साथ अपने ओटीटी डेब्यू में जरूर पक्का कर दिया है कि वो बॉलीवुड मराठी सिनेमा और अब ओटीटी के लिए सर्टिफाइड एक्टर हो चुके हैं। रितेश देशमुख की फिल्म पिल पूरी तरह से फार्मा इंडस्ट्री और उसमें होने वाले झोल को दिखाती है। कहानी रितेश देशमुख के किरदार के मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रांसफर से शुरू होती है। इस ट्रांसफर के बाद कैसे नए डिपार्टमेंट में जाते ही उन्हें फार्मा इंडस्ट्री में चल रहे कई ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में पता लगता है जिनसे आम नागरिकों को खतरा है और वो इस गुत्थी को सुलझाने में लग जाते हैं, जिसके साथ कहानी आगे बढ़ती है। एक जानी मानी फार्मा कंपनी इस सीरीज में विलेन का किरदार निभा रही है। वह रितेश देशमुख और जियो सिनेमा की इस सीरीज के मेकर्स ने साबित कर दिया है कि गैंग वॉर, रोमांस और न्यूडिटी के अलावा भी कैसे बेहतरीन कहानी बुनी जा सकती है। फार्मा इंडस्ट्री और पेशेंट से जुड़े जिस मुद्दे को सीरीज में उठाया गया है उसे देखकर आपको लगेगा कि इस तरह के कॉन्टेंट का आपको इंतजार था। वह कहानी को जहाँ 8 एपिसोड में बुना गया है वहाँ उसे 2-3 एपिसोड कम में सिमटे जा सकते थे। फिल्म में रितेश देशमुख के साथ साथ पवन मल्होत्रा, अक्षत चौहान और अंशुल चौहान भी नजर आएंगे। रितेश देशमुख आपको डॉक्टर प्रकाश के रोल में नजर आएंगे, वही उनके ऑपोजिट आपको पवन मल्होत्रा फार्मा कंपनी के सीईओ के रोल में दिखाई देंगे। सभी की एक्टिंग शानदार है। रितेश देशमुख ने ओटीटी डेब्यू का एग्जाम पास कर लिया है। दो मुख्य किरदारों के अलावा भी सभी एक्टर्स ने कहानी की गंभीरता को समझकर एक्टिंग के साथ जस्टिस किया है। वेल पिल का डायरेक्शन किया है राजकुमार गुप्ता ने। वेल ये कहना गलत नहीं होगा कि सीरीज में सभी को अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है, हर किरदार को स्टैब्लिश होने का मौका दिया गया है। कहानी शुरुआत से आखिर तक एक ही पेस पर चलती है और हर एपिसोड के साथ आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाती है। तो दोस्तों हम इसको देना चाहेंगे अपनी तरफ से 4.5 स्टार। वेल अगर आपने ये सीरीज देखी तो ये आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।